लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दॉल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओके सो आपका स्वागत है इस एटमिक स्ट्रक्चर के पार्ट नाइन में जहाँ पर आप पढ़ेंगे एक रूल जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैन फिल इन टू ये है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द ऑफ बाउ प्रिंसिपल एंड अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन्स दे फिल इन दर्बिटल्स ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी तो ऑर्बिटल uh, uh, की एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ऑफ बाउ के रूल के अकॉर्डिंग और उन्होंने एन प्लस एल रूल दिया था और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाउल इज एक्सक्लूसन प्रिंसिपल फॉर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर इज टू अंडरस्टैंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन टू द एटम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे की पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है और उसकी क्या एप्लीकेशन्स होंगी तो ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट वोल्फ गैंग पॉली इन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव प्रपोज अ रूल रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन फेलिंग इन शेल एंड सब शेल तो ऑस्ट्रियन फिजिसिस्टी नाइनटीन ट्वेंटी फाइव में उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की फेलिंग शेल में एंड सब शेल में कैसे होगी उसके लिए उन्होंने रोल दिया तो इनके अकॉर्डिंग क्या है नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स सो वी कैन ऑल्सो

जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं वो बराबर नहीं होगी तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक सी नहीं होंगी कोई एक क्वांटम संख्या उनकी अलग जरूर होगी एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस स्टेटमेंट को हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं और इस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में एक्चुअली क्या है इट एक्सक्लूड्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बींग इन द सेम स्टेट तो क्योंकि इसके हिसाब से क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट्स हैं वो एक नहीं होंगी चारों में से क्वांटम संख्या बराबर नहीं होगी तो वो कभी भी एक स्टेट में नहीं होंगे ओके, दिस रूल अप्लाइज़ टू एनी आइडेंटिकल पार्टिकल्स विद हाफ इंट्रिकल इंट्रिज़िक स्पिन तो ये रूल किसके लिए अप्लाई किया जाता है ऐसे पार्टिकल के लिए जहाँ पर स्पिन क्या हो हाफ ओर थ्री बाई टू हो तो जनरली वी अप्लाई दिस रूल ऑन इलेक्ट्रॉन इट्स स्पिन इज हाफ ओके सो वी वी अप्लाई दिस रूल टू द इलेक्ट्रॉन दे आर फोर नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इसलिए कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं होंगे क्वांटम नंबर्स जो कि आपने पढ़े थे एन एल एस एंड एम तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज क्वांटम नंबर एंड देन दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर पाउली एक्सक्लूज प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स वाई सम कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एलाउड वाई अदर्स आर नॉट तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये भी बताता है की ये पर्टिकुलर एक कन्फिग्रेशन तो होता है और दूसरा कन्फिगुरेशन नहीं होगा तो so, ये कौन बताएगा पॉलिज एक्सक्लूज प्रिंसिपल एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट है सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ओके तो क्या होगा कि एक मैग्जिम आप देखेंगे अगर एन इज इक्वल टू वन होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है दो इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे जहां पर एन इज इक्वल टू वन होगा अभी आप देखेंगे जिसका एन वन होगा वहां पर दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा वो हमेशा एन इज इक्वल टू टू पर जाएगा ओके okay, तो कभी भी एन जो है वो एन के टर्म में अगर हम स्टेट देखेंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉनों की एक सी होगी जबकि टू पी जो टू एन होगा वहां पर ये स्टेट क्या होगी डिफरेंट होगी एन इफ टू इलेक्ट्रॉन इन एन इज इक्वल टू वन दे आर स्पिन मस्ट बी अपोजिट डायरेक्शन तो अगर एन इज इक्वल टू वन है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ उसकी जो स्पिन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में ही होगी मतलब है कि उसकी स्टेट क्या होगी एकदम डिफरेंट होगी इस डायग्राम को देखें तो आप ये देखेंगे देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है ये एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू थ्री एन इज इक्वल टू फोर एन एन इज इक्वल टू फाइव तो यहाँ पर आप देखेंगे देखिए देखे, पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर एन इज इक्वल टू वन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन की जो, जो स्पिन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओके और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है और ये क्या हो जाएगा पेयर अप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में है ये एन इज इक्वल टू वन में है ओके ये जो इलेक्ट्रॉन है जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहां पर भी एन इज इक्वल टू वन होगा लेकिन यहां पर एस क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ राइटिंग ओके आई आई विल राइट एंड शो यू हाउ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स एनी टू इलेक्ट्रॉन्स दे हैव डिफरेंट क्वांटम नंबर्स अब आप देखिए जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो देखिए नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला गया जहां पर जो एन की वैल्यू है क्या है टू है फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसके अप हो जाएगा इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे जैसे एन की वैल्यू चेंज होगी जो इलेक्ट्रॉन की जो आप देखेंगे चारों क्वांटम नंबर्स में क्या डिफरेंस होगा ओके ये हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग देखेंगे अगर एन इज इक्वल टू वन है ओके अब एन इज इक्वल टू वन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है है तो मैं अगर बात करूं वन एस वन इलेक्ट्रॉन की एंड वन एस टू इलेक्ट्रॉन की अगर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी कि पहला इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरीके से होगा तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो n इज इक्वल टू वन होगा l इज इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा और अगर आप एम देखें इसका तो एम जो है वो इट मे बी प्लस वन और जीरो और माइनस वन ओके और अगर हम एस देखें तो इसकी स्पिन क्या है प्लस हाफ है ओके okay? अब हम अगर वन एस टू ऑर्बिटल को देखें तो इसमें जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो सब सेम है बट उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है क्योंकि इसकी स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसकी स्पिन क्या होगी माइनस हाफ होगी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो चार क्वांटम संख्याएं हैं वो स्पेशली इन केस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर वो क्या होगी? होंगी डिफरेंट होंगी अगर हम दो एग्जाम्पल्स देखें एक तो n इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू वन हमने देख लिया तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है टू एस वन में हुँ? और हम एक इसको कंपेयर करें वन एस वन इलेक्ट्रॉन के साथ टू एस वन इलेक्ट्रॉन को हम कंपेयर करें देखिए इसका एन वन है और इसका एन क्या है टू है तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू वन है एल इज इक्वल टू क्या है जीरो है एम इज इक्वल टू प्लस वन से यहाँ पर एम इज इक्वल टू क्या होगा सॉरी एम होगा यहाँ पर जीरो यहां पर एम सॉरी यहां, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो एम जीरो होगा नॉट प्लस वन माइनस वन ओके बिकॉज द ऑर्बिटल इज एस एस ऑर्बिटल है तो uh, जो एम की वैल्यू है वो ए की पॉसिबल होगी दैट इज जीरो तो इस तरीके से आप यहां पर भी देखेंगे कि यहाँ पर एम इज इक्वल टू जीरो अब सेकंड अगर जीरो प्लस हाफ हो सकती है लेकिन इसका कौन सा काउंटर नंबर अलग अलग है एन इज इक्वल टू वन एन एन इज इक्वल टू टू आप देख रहे हैं एक में एन वन है एक में टू है, है तो इस तरीके से आप देखेंगे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एनी टू इलेक्ट्रॉन इन एटम दे है चारो सेट ऑफ क्वांटम संख्याए कौन सी है एन है एल है एम है और ऐसा इनमें से कोई एक क्वांटम नंबर जरूर डिफरेंट होगा दो इलेक्ट्रॉन का तो यही पाउलिस एक्सक्लूस प्रिंसिपल है से आप देखेंगे कि जो पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसका एप्लीकेशन क्या है कि ये जानकारी देगा शेल्स एंड सब शेल के बारे में अकॉर्डिंग टू पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन हैव ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन दल टू वन स्टेट तो क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और हीलियम का है 1s2. तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्टेट होगी वो एन इज इक्वल टू होगी अगर हम लिथियम का केस देखें एंड सो तो ऑन आगे बढ़े तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी इस तरीके से अगर हम हाइड्रोजन से हीलियम बोरोन ऐसे हम देखें तो हम ये देखेंगे कि एन की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स और वहां पर आप देखेंगे लेकिन देयर आर लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ एन तो हर एक एन वैल्यू uh, के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो डिफर होगा और जिस एन जहां पर भी एन की वैल्यू हायर होगी उनकी एनर्जीज हायर होंगी और जहां पर कम होगी वहां पर एनर्जी क्या होगी कम होगी तो ऑर्बिटल्स जिनके जिनमें एन हायर है वो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल हैं जिनमें एल कम है वो क्या है लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता है शेल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है शेल के बारे में तो क्योंकि हमें ये पता चल रहा है अगर हमें ये पता है कि एन इज इक्वल टू वन है तो हम कह सकते हैं कि ये एक शेल है एन एक शेल है ओके एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू टू है तो वो आ, कौन सा शेल है दूसरे नंबर का शेल है ओके okay? और अगर हमें एल की वैल्यू पता होगी तो हमें क्या पता चल जाएगा सब शेल पता चल जाएगा से हम देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू ऑफ एल जिसका भी एल की वैल्यू सबसे कम होगी वो उसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी जिसकी एल की वैल्यू अधिक होगी उसकी एनर्जी क्या होगी अधिक होगी इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स आपने देखा पहले एन इज इक्वल टू वन में जाएगा देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू में जाएगा देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थ्री में जाएगा और वो इसका मतलब है कि अगर n की वैल्यू हमें पता है तो हमें पता है कि अलग अलग शेल है तो इस तरीके से आप देखेंगे जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरीके से होगी आ, कहां पर ऑर्बिटल्स में तो सॉरी जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो हमें बताएगा इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग किस तरीके से होगी ओके okay. क्योंकि यहां पर आपने देखा और दूसरा ये बताया कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कभी भी उनकी चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होंगी तो क्योंकि उनकी चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होंगी तो आप ये कह सकते हैं कि पहला जो इलेक्ट्रॉन है शुरू में वो वन एन इज इक्वल टू वन में जाएगा देन एन इज इक्वल टू टू में जाएगा देन एन इन एन इज इक्वल टू थ्री में जाएगा इन डिफरेंसेस की वजह से ही उसकी चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो. चारों में से कोई एक क्वांटम संख्या क्या होगी अलग पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है मेन क्या है कि इफ वी नो द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें यह पता है कि कौन से पॉसिबल uh, जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स से कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं जो कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हम बता सकते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन ईच शेल एंड सब शेल कैन बी डिटरमाइंड ओके तो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हेल्प से हमें क्या पता चल जाता है हमें पता चलता है कि कौन से कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के पेयर के लिए क्या है अलाउड है तो कौन सा इससे हम ये बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने फिल हो सकते हैं शेल में एंड सब शेल में तो इस तरीके से आपने देखा कि जो पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसके हेल्प से हम पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है क्वांटम नंबर वो हम जान सकते हैं क्योंकि कोई क्वांटम नंबर चेंज्ड होगा और अगर हमें ये पता होगा कि पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस है क्वांटम नंबर के वो क्या है देन वी कैन इजीली डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन शेल एंड सब शेल तो हम ये पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शेल में है और कितने सब शेल में होंगे तो से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि मान लीजिए हम ले रहे हैं अगेन मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ जैसे मैंने लिया थ्री पी वन Okay. अब मैंने सोचा कि मैं थ्री पी वन के चारों क्वांटम संख्याएं कैलकुलेट करूं अगर एक इलेक्ट्रॉन थ्री पी वन में है। और दूसरा मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं जो कि फोर पी वन में है ओके okay? अब देखिए इसमें सब कुछ सेम है बट डिफरेंस इज इन द वैल्यू ऑफ एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर क्या है थ्री है यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है वन है क्योंकि ऑर्बिटल क्या है पी है और M की वैल्यू हो सकती है प्लस वन और जीरो और माइनस वन एंड S की वैल्यू क्या है प्लस हाफ ओके स्पिन नाउ कम टू दिस यहां पर आप देखिए N इज इक्वल टू फोर एन इज इक्वल टू वन एम इज इक्वल टू मे बी प्लस वन जीरो एंड माइनस वन एंड एस इज इक्वल टू प्लस हाफ ओके देख सकते हैं कि यहां पर जो क्वांटम संख्या जो डिफर कर रही है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल ले हम कहें कि एक तो इलेक्ट्रॉन है थ्री पी वन ओके और एक कंफिग्रेशन है थ्री पी टू मान लीजिए ओके तो यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन पी में है दोनों की जो क्वांटम संख्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो इक्वल है थ्री है सो एन इज इक्वल टू थ्री है एल इज इक्वल टू वन है दोनों के केस में बराबर है ओके एल इज इक्वल टू वन है अब अगर हम एम की वैल्यू करेंगे तो वो डिफर करेगी अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो प्लस वन में होगा ओके okay, और अगर यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन है तो ये प्लस वन एंड जीरो इनकी एम की वैल्यू होगी एंड स्पिन की वैल्यू क्या होगी प्लस हाफ एंड यहां पर भी स्पिन की वैल्यू क्या होगी प्लस हाफ तरीके से आप देखेंगे कि देखिए यहां पर थ्री क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल एल वन है लेकिन एम में डिफरेंस है कि एक का एम प्लस वन है और एक का एम प्लस वन एंड uh, जीरो एक्चुअली जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो पी जो एम की वैल्यू होगी वो जीरो होगी जबकि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफर है एम की वैल्यू आप देखिए प्लस वन भी हम कह सकते हैं पहला इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के केस में एम की वैल्यू प्लस वन है एस की वैल्यू प्लस हाफ है एंड एल की वैल्यू वन है बट डिफरेंस इज देयर इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो इस तरीके से आपने देखा कि जो पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इन चारों क्वांटम नंबर में से कोई एक क्वांटम नंबर किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स का डिफर करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी एक सी नहीं होंगी All about the Pauli's uh, exclusion principle, and in the next lecture we will discuss about the Hund's rule. अगले uh, lecture में हम पढ़ेंगे Hund's rule. Uh, जब ये तीन rule हम पढ़ लेंगे Aufbau rule, Hund's rule and this Pauli's uh, rule, तब हम electronic configurations पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से electrons arrange होती हैं एक particular atom के अंदर. So thank you very much.